पहला उस तरह का गुण जिसकी रस उगाया जा रहा है वहां दिखा हो तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं, उस एरिया को उस जगह के बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। और सेंटर ऑफ ओरिजिन का जो पहला कंसेप्ट दिया था उन्होंने, किसने दिया था? निकोलाय बेबिलोव ने। ओके, इस निकोलाय बेबिलोव ने पहले 8 सेंटर को जो बाद में 11 में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, टोटल 11 सब डिवाइडेड जो सेंटर था, सेंटर ऑफ ओरिजिन। निकोलाय बेबिलोव ने क्या था, अपने सारे साथियों को अपने ग्रुप बना करके अलग अलग जगह भेजा, वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके मंगाए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ जो सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, तो वहां पर जो जहां पर जो पाया जाता है जीनोटाइप, वहां पर सब तरह के जीनोटाइप पाए जाएंगे उसके, वो आराम से जो है डेवलप करेगा, इंडिजीनस होगा उस जगह का, या आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जो निकोलाय बेबिलोव ने 8 सेंटर डेवलप किया था, खोजा बनाया था 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन, उसमें था मेक्सिको, जो पहला नंबर है ये मेक्सिको एंड ग्वाटेमाला जो अमेरिका का एरिया है, फिर दूसरा है जो साउथ अमेरिका के हिसाब से पेरू इक्वेडोर एंड बोलीविया का रीजन था, फिर मेडिटेरेनियन रीजन मिडिल ईस्ट, मेडिटेरेनियन रीजन जो है आपको मेडिटेरेनियन समुद्र के चारों तरफ जो एरिया है उसको बोलते हैं, फिर मिडिल ईस्ट है सेंट्रल एशिया चाइना एंड कोरिया इंडो बर्मा रीजन श्याम मलाया जावा, श्याम श्याम जो थाईलैंड को बोलते हैं, तो श्याम मलाया मलेशिया और जावा, जावा जनरली यूज किया जाता है इंडोनेशिया के लिए, तो श्याम मलाया जावा एक रीजन जो है वो क्या गया जिसको सब डिवाइड किया गया था, इंडो बर्मा रीजन से ही सब डिवाइड करके श्याम मलाया जावा अलग रीजन बनाया गया है। ठीक है, उसी तरह पेरू इक्वेडोर बोलीविया एक रीजन है, उसके अलावा उसमें 2 रीजन सब रीजन और डाल दिए, तो जो साउदर्न चिली एंड साउदर्न ब्राजील ये एरिया है, तो ये टोटल 11 आपको सब सेंटर्स हो गए जिनको ओरिजिन ऑफ सेंटर बोलते हैं। अब इन्हीं में सबको, इन्हीं में कोई पर्टिकुलर कंट्री में कोई ग्रो कर रहा हो, छोटा छोटे एरिया में कोई ओरिजिनेट किया, सेंटर ऑफ ओरिजिन है, माइक्रो सेंटर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंडरी सब सेंटर्स है, प्राइमरी सब सेंटर्स है, तो इस तरह से वो डिवाइड करते हैं। तो हमारा वो उससे मतलब नहीं था, मैं बताना था कि निकोलाय बेबिलोव ने क्या किया था। ठीक है, तो उन्होंने नाम था जो साउदर्न मेक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर था, उसमें उन्होंने मेक्सिको ग्वाटेमाला और हंडुरास कोस्टारिका इनको रखा था। साउदर्न अमेरिकन सेंटर से जो आपको बता दिया ऑलरेडी, 3 पेरुवियन इक्वेडोरियन बोलीवियन सेंटर, चिलोए सेंटर, चिली वाले सेंटर, चिलोए सेंटर, ब्राजीलियन सेंटर है, इनसे उन्होंने टोटल 62 प्लांट्स उस समय लिस्ट किया था, अभी और भी प्लांट हो सकते हो गए। मेडिटेरेनियन समुद्र के आसपास जो एरिया है उसको मेडिटेरेनियन सेंटर बोलते हैं, जिसमें 84 लिस्टेड प्लांट्स उस समय थे। ठीक है, उसी तरह मिडिल ईस्ट जिसमें एशिया माइनर वगैरह आता है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सब एरिया आता है मिडिल ईस्ट में, जिसमें 83 स्पीसीज उस समय लिस्ट किया था उन्होंने। उसी तरह इथोपिया है जो साउथ अफ्रीका सॉरी अफ्रीकन कंट्री है, एशियाटिक सेंटर है, आपको इंडियन सेंटर को 2 से इसमें बांटा गया था, जो सब सेंटर में इंडियन सब सेंटर्स को 2 सब सेंटर, इंडो बर्मा एंड श्याम मलाया जावा। ठीक है, इंडो बर्मा मतलब इंडिया और बर्मीज रीजन जो अभी म्यांमार कहलाता है, पहले बर्मा कहलाता है, श्याम का श्याम जो है थाईलैंड का पुराना नाम है, तो श्याम मलाया जावा, जावा जनरली यूज किया जाता है इंडोनेशिया के लिए। तो इंडो उसमें इस तरह के प्लांट्स कितने हैं वो लिस्ट किया गया, तो याद करने का चीज है। उसी तरह चाइनीज सेंटर है, जो चाइनीज सेंटर है सबसे लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेंटर था, जो सेंटर ऑफ ओरिजिन उस समय प्लांट का माना जाता था। ठीक है, तो ये 8 सेंटर्स हैं जिसमें सब सेंटर्स मिला के 11 सब सेंटर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम उसी तरह से हमने आपको दे दिया, इसको बता दिया है, और ये बता भी दिया कि फैमिली, क्रॉप्स, सेंटर ऑफ ओरिजिन और क्रोमोसोम नंबर साइंटिफिक नेम के साथ, बहुत सारे जो आपके इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उनका मैंने दिया है, लेकिन जो इस सेमेस्टर में पढ़ना है उनको मैंने येलो कर दिया था, जैसे खरीफ सीजन के जो क्रॉप्स क्रॉप हैं, फील्ड क्रॉप्स, खरीफ सीजन पार्ट जो 1 है इस सेमेस्टर में पढ़ना है, रबी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, तो इस सेमेस्टर में मैंने दिया है, याद कर लो, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा यही जो येल्लो किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ येल्लो से, राइस, मेज, सोर्गम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, ये सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, इनके साइंटिफिक नेम है सेंटर ऑफ ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर एक्चुअली ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम वगैरह जो आप कॉम्पिटिटिव देते हो उनमें भी इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना चाहिए। ठीक है, उसी तरह आपको पल्सेस हैं, जो खरीफ पल्सेस हैं पिजन पी जिसको अरहर या तूर भी बोलते हैं, मूंग बीन या ग्रीन ग्राम, और उड़द बीन या ब्लैक ग्राम है, तो ये आपके क्रोमोसोम नंबर इनके सबके दवाई सी हैं और इनके सेंटर ये हो जाएगा। तो यहाँ ये कंफ्यूज नहीं करना है कि विगना मूंगो जो है, विगना मूंगो ब्लैक ग्राम औरत का नाम है, ठीक है, और ग्रीन ग्राम जो मूंग का नाम है उसका विगना रेडिएटा है, मूंगो से मूंग नहीं समझना है। ओके,
उसी तरह ग्राउंडनट सोयाबीन ऑयलसीड क्रॉप है जो आपको खरीफ में उगाया जाता है। फिर आपको जो फाइबर क्रॉप्स हैं जूट और कॉटन जो इस आपको खरीफ में उगाया जाएगा और इस सेमेस्टर में पढ़ना है। उसी तरह जो आपको इस फोडर क्रॉप्स है जो चारे वाले फसल पढ़ने हैं इसमें कॉफी क्लस्टर बीन नेपियर और सोरगम भी है। एक्चुअली सोरगम मैंने ऊपर दे दिया है आपको मिलेट्स में भी इसलिए यहाँ पर नहीं डाला है लेकिन एज ए फोडर क्रॉप चारा फसल की तरह इसको पढ़ना है सोरगम को इसमें। ओके तो बाकी सब आपको हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना हो या नहीं पढ़ना हो इस सेमेस्टर सिस्टम में लेकिन आपको इस बीएससी में लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है तो मैंने आपको डाल दिया था इसको याद करने के लिए। ओके तो ये फसल से आप देख सकते हो इन्हीं से हमने आपको ये डाल देते हैं कि आप कभी ये बोलो कि हमें तो देखे ही नहीं कैसा होता है तो इसके लिए भी फोटो है पहचान लेना चाहिए ताकि आगे भी पढ़ेंगे तो आगे भी दिखाते रहेंगे इसको। तो धान राइस चावल आप लोग सब लोग जानते हो ठीक है धान से चावल निकलता है जो भी चीज बनता है और भी चीज तो इसका फसल ऐसा होता है क्रॉप ऐसा होता है प्लांट या इसका फ्लावर ऐसा होता है ठीक है ये आपको जानना चाहिए नहीं बोलना बाद में कभी मैंने देखा नहीं। और आज दूसरा है आप लोग इसका फोटो या खींच करके अपने पास अगर देखते हो तो खींचो उसके बारे में हर पार्ट का देखो ताकि समझ में आए आपको ठीक है। मेज मक्का तो सभी लोग जानते हैं फिर भी एक देख लेना चाहिए ये आपको सोरगम है सोरगम बाइकॉलर ठीक है सीड है इसका आपको फ्लावर फ्रूटिंग है पूरा इसका क्रॉप है। ओके सोरगम जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वार ठीक है ज्वार भी बोलते हैं इसको ये बाजरा है पर्ल मिलेट बाजरा बाजरा ऐसा दिखता है। ओके रागी या मड़ुआ भी बोलते हैं इल्यूसिन कोराकाना साइंटिफिक नेम है वो इस तरह से दिखता है क्योंकि इसका फिंगर की तरह ऐसे दिखता है इसलिए फिंगर मिलेट ये जो देखोगे उसका फल वाला इसका जो स्पाइक है जो इसका तो बिल्कुल फिंगर की तरह दिखता है इस तरह से ठीक है तो इसको हम लोग इसे फिंगर मिलेट बोलते हैं। ये पल्सेस हैं आप लोग अरहर जानते हो अरहर बड़ा बड़ा सब जगह देखे होंगे तो अरहर आप डेली खाते भी हैं दाल तो अरहर का क्रॉप ऐसा होता है जो प्लांट है। ये आपको मूंग बीन है मूंग उड़द इनके प्लांट्स में ज्यादा नहीं जब तक आप मूंग देखोगे नहीं तब तक तो फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये उड़द है उड़द ब्लैक कलर का होता है ब्लैक ग्राम बोलते हैं लिखना मूंगो। रॉयल सीड क्रॉप्स में आपको जो इस सेमेस्टर में पढ़ना है मैंने उन्हीं के फोटो दिखाए हैं ये आपके मूंगफली है जिसको ग्राउंड नट बोलते हैं एरेकिस हाइपोजिया ठीक है ये रूट अंदर पैदा होता है तो इसका फ्लावर को अंदर दबा दिया जाता है ये नहीं समझना कि इसका मॉडिफिकेशन है रूट का ये फ्रूट ही है लेकिन ये फ्लावर को अंदर डाला जाता है तो आगे पढ़ेंगे जब ग्राउंड नट पढ़ना है तो ठीक है। उसी तरह ये आपका सोयाबीन है सोयाबीन जो हम लोग बड़ी खाते हैं वो सोयाबीन नहीं होता सोयाबीन का फल ये होता है ठीक है ये सोयाबीन का आपको क्रॉप है और ये इसका फ्रूट है ठीक है। फाइबर क्रॉप्स है जो कॉटन तो सभी लोग यूज करते हैं तो कॉटन कैसा दिखता है इस तरह से दिखता है मालवेसी फैमिली के जनरली पत्ता देखिए भिंडी की तरह का दिख रहा होगा मालवेसी फैमिली का फ्लावर भी उसी तरह का दिख रहा है तो ये मालवेसी फैमिली का है गॉसिपियम हिर्सुटम जो है ठीक है इसी से जो फ्लावर है इससे आपको हमें फाइबर प्राप्त होता है। और जो ये जूट है जूट का जो स्टेम का जो होता है रेशा उससे निकलता है जूट जूट का क्रॉप ऐसा होता है देख लेना चाहिए आगे हम पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में एक एक क्रॉप वन बाय वन करके ठीक है। फोरेज जो चारे वाला क्रॉप है उसमें कॉफी है क्लस्टर बीन है और नेपियर ग्रास है सोरगम भी पढ़ना है पाउडर की तरह लेकिन सोरगम का ऊपर में हम दिखा दिए कि सोरगम का यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ ठीक है। तो ये इसका आपका सेंटर ऑफ ऑरिजिन था और मैंने उस क्रॉप का थोड़ा सा इनिशियल आइडिया दे दिया कि कैसा होता है क्रॉप। इस वीडियो को मैं डाल दूंगा आपको कल तो आपको लिंक भी भेज दूंगा तो अगर मिस होता है तो फिर देख लोगे अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी देखना हो और कुछ पूछना हो तो पूछ लो टाइम नहीं है ज्यादा ठीक है 5 मिनट का टाइम है। हेलो पूछना है कुछ सर इसको गूगल क्लासरूम पे भेजेंगे ना सर। हाँ गूगल क्लासरूम पे मैं यूट्यूब पे अपलोड हेलो यूट्यूब पे अपलोड कर गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा और मैं वहां पर अभी एक क्विज डालूंगा कल इसी से रिलेटेड मैं कल एक क्विज भी डालूंगा इसका सर नोट्स क्लासरूम में मिलेगा ना। हाँ क्लासरूम में ही मिलेगा तो इसका नोट्स क्लासरूम पे ही ना मिलेगा सर यह है नोट्स मैंने डाल दिया सर वीडियो यूट्यूब पे नो यूट्यूब पे नहीं क्लासरूम में डाल दिया ऐसा नोट्स ठीक है वीडियो का लिंक डाल देंगे हम उसी क्लास वीडियो सर इसका
वीडियो भी क्लासरूम में हम लिंक डाल देंगे। अच्छा ओके। और क्लासरूम में ही एक क्विज आएगा कल, ठीक है, वो क्विज जो अटेम्प्ट करोगे मार्क्स भी आएगा उसका, और क्विज में वही आपको क्रोमोसोम नंबर, सेंटर ऑफ ऑरिजिन और साइंटिफिक नेम फैमिली से पूछूंगा मैं, ठीक है। याद कर लोगे? यस सर। क्लिक करेंगे, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है सर, ठीक है सर।